वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ। इसके अंतर्गत हमने दो यूनिट कर ली, तीसरी यूनिट का हमने एक चैप्टर कर लिया था। उसका जो यूनिट थर्ड में एक चैप्टर और है वो है अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स, भवनों में ध्वनिकता। लेकिन ये चैप्टर हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इससे संबंधित जो पैरामीटर्स हम इसमें काम में लेंगे वो हमारे यूनिट 5 के अंदर जो पैरामीटर्स की डेफिनेशन है वो यूनिट 5 में दी हुई है। तो हम पहले यूनिट 5 जब हम कर लेंगे उसके बाद हम इस चैप्टर को करेंगे। वैसे ये एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन हम इसको बाद में पढ़ेंगे। आज हम यूनिट 4th स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4th में हमारे तीन चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे ही हैं लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। हम इसके अंदर अब जो है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और गैसेस से रिलेटेड चीज़ पढ़ रहे थे। अब हमारी ये 2.5 यूनिट तो हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड है और बाकी की जो 2.5 यूनिट हमारी है इस पेपर की वो हमारी वेव्स एंड अकॉस्टिक्स से रिलेटेड है। तो हम इसी के अंतर्गत यूनिट 4th का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, वो है माध्यम में तरंगे, वेव्स इन अ मीडियम। तो हम कौन सी वेव्स पढ़ रहे हैं जो किसी मीडियम में ही प्रोपोगेट करती हैं। तो सबसे पहले ये हमारे यूनिट 4th का फर्स्ट चैप्टर है, आप इसको ध्यान में रखिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जो डेफिनेशन देंगे वो है हमारी वेव, तरंग क्या होती है। तो तरंग क्या होती है, एक्चुअल में तरंग जो है वो ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ट्रांसफर करने की एक साधारण सी विधि है। ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरण करने की साधारण विधि है। तो तरंग गति क्या हुई, वेव मोशन क्या हुआ, वेव मोशन ऊर्जा को किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किया जाता है वो हमारा प्रकार तरंग गति कहलाता है। अब तरंग गति के जो है भाई, जो ये वेव्स हैं इनको हम बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि माध्यम की बात कर रहे हैं, हम दो ब्रॉड कैटेगरीज बनाएंगे। दो प्रकार की तरंगे होंगी हमारी, एक तो होती है हमारी प्रत्यास्थ तरंग गति और दूसरी तरंग कह लो या उसकी जो गति होगी वो तरंग गति हो जाएगी। और दूसरी हमारी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग गति, इंग्लिश में हम बोलेंगे इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स और एंड इट्स मोशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट्स मोशन। तो इन दोनों वेव्स में अंतर क्या है, इन दोनों तरंगों में बेसिकली अंतर क्या है। इलास्टिक और या मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, बगैर माध्यम के ये प्रोपोगेट नहीं कर सकती। और दूसरी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं, वो माध्यम, उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो बगैर किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोपोगेट कर सकती हैं। अब हम इसके अंदर इलास्टिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इलास्टिक वेव्स क्या है, ये एक प्रकार का विक्षोभ, तरंग गति जो है एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है, विक्षोभ का मतलब डिस्टर्बेंस, जो माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अग्रसर होता है। जैसे आपने मान लो पानी के अंदर एक पत्थर डाला तो उससे एक वेव क्रिएट होती है और वो क्या करती है, उस स्थान से दूसरे स्थान तक पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है। तो ये डिस्टर्बेंस कैसे होता है कि जब हम माध्यम के अंदर जो कण है वो क्या करते हैं, जब हम कोई एनर्जी या डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो कण जो है वो दोनों ओर आवर्त गति करना शुरू करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू कर देते हैं। और इस मोशन के कारण ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है या ऊर्जा का हस्तांतरण होता है।
अब ये जो हमारी प्रत्यास तरंगे हैं, इनको भी हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी होती है हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे। यानी पहली है हमारी ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरी है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये दो प्रकार की हमारी वेव्स होती हैं। तो हम इन दोनों वेव्स के, क्योंकि हम माध्यम में तरंगे काम में लेंगे, तो हम इन दोनों वेव्स को डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जो इनकी वेग है, इनकी जो गति है, वो समीकरण हम ज्ञात करेंगे। लेकिन पहले हम एक समतल प्रगामी तरंग का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम समतल प्रगामी तरंग? देखो, समतल प्रगामी तरंग जो है वो निकालने के लिए, इसको हम कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव इक्वेशन, वेव इक्वेशन। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन निकालना हमारा बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट हम लेके चलेंगे, वो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को इसमें ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रोग्रेसिव वेव क्या है। तो प्रोग्रेसिव वेव क्या है? ऐसी तरंग गति जिसमें ऊर्जा का स्थायी विस्थापन हो, उसे प्रगामी तरंग कहते हैं। यानी प्रोग्रेसिव वेव वो है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्टेबल रहे, है ना? एनर्जी जो है उसका स्टेबल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ऐसी वेव मोशन। तो वो हमारी, मतलब एनर्जी एक जगह से शुरू हुई और दूसरी जगह चली गई, वापस लौट के नहीं आई, तो वो हमारी प्रोग्रेसिव वेव होगी। तो ऐसे के लिए हम इसको सरलता पूर्वक समझने के लिए हम इस गति को, वैसे थ्री डायमेंशनल होती है, लेकिन हम इसको सरलता से समझने के लिए वन डायमेंशन मोशन को ही स्टडी करते हैं, क्योंकि हम एक इक्वेशन फॉर्म करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक विमीय गति ले ली हमने, है ना? इसको हम कहाँ पर, ऐसी गति कहाँ देख सकते हैं हम? ऐसी गति हमने, जैसे कोई एक डोरी है उसको कस के बांध दिया और उसमें हमने एक विक्षोभ या उसमें एक झटका दिया, तो उससे एक पल्स जनरेट हुआ और वो पल्स हमारी आगे प्रोपोगेट करती है। तो उसके लिए हमने ये मान लिया कि माना कोई एक खिंची हुई डोरी है, उसमें वी वेग से धनात्मक दिशा में गति करती हुई प्रगामी तरंग की कल्पना हम कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक खिंची हुई डोरी थी, उसमें हमने एक पल्स जनरेट करी और वो पल्स धीरे 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 यूं प्रोपोगेट करती हुई इधर आगे चली गई। तो ये एक फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ये एक पल्स आपको दिखाई दे रही है, और इसके अंदर जो ये पल्स की जो आकृति है ये नहीं बदलेगी। ये प्रारंभ में इस जहां पर पैदा की गई वहां पर होगी, फिर धीरे धीरे ये टाइम के साथ अलग अलग स्थानों पे ट्रेवल करना शुरू कर देगी, कुछ इस तरीके से होगी। तो और हमने ये मान लिया कि x बराबर 0 पर यहाँ पर सोर्स है, मतलब यहाँ पर जो डिस्टरबेंस या सोर्स है जो भी है वो x बराबर 0 पर स्थित है, और t समय पश्चात उसका जो y दिशा में जो विस्थापन, y में जो उसका विस्थापन है वो इस व्यंजक द्वारा दिया जाता है, y बराबर ft से दिया जाता है। यहाँ f जो है वो t का कोई फंक्शन होगा। तो ये हमने सारी चीजें अज्यूम कर ली पहले। हम अब क्या हो रहा है कि देखिए, मान लो जो तरंग है वो v वेग से गति कर रही है, तो क्या होगा, t समय पश्चात क्या हो जाएगा? मान लो वो t समय पश्चात वो यहाँ पहुंचती है और ये यहाँ से x दूरी जो है वो x है, मतलब यहाँ से x एक्सिस की दिशा में जो दूरी है वो स्मॉल x है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा? समय होगा दूरी बटा वेग, तो t बराबर x बाय v हो जाएगा। तो यानी t बराबर x बाय v समय पश्चात तरंग x दूरी पर स्थित p बिंदु पर पहुंच जाती है, यहाँ पर पहुंच जाती है ना, इस जगह पर पहुंच जाती है। ये बिंदु मूल बिंदु से x दूरी पर है। इस समय पर जो यहाँ के जो कण है उसका विस्थापन कितना होगा? ये उतना ही होगा जितना t, मतलब x बाय v समय पहले यहाँ पर जो कण बैठा था उसका विस्थापन था, उसके बराबर होगा, है ना? तो हम या यो कह सकते हैं कि इस p बिंदु का विस्थापन इस समय उतना ही होगा जितना x बाय v समय पहले मूल बिंदु का विस्थापन था। तो हम इसको इस प्रकार से
लिख सकते हैं। तो y जो है वो f फंक्शन होगा t माइनस x बाई v। अतः किसी समय t पर इस बिंदु p का विस्थापन वही होना चाहिए जो x बाई वी सेकेंड पहले मूल बिंदु का था। तो यानी इसका जो विस्थापन है वो हमारे मूल बिंदु का विस्थापन, लेकिन मूल बिंदु पर विस्थापन को हम कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन t का फंक्शन है। तो हम टाइम लिखते हैं, कौन सा टाइम, वो टाइम जब मूल बिंदु पर पल्स बैठी थी। तो मूल बिंदु पर पल्स अब के अगर हम अब का जो समय उसको जीरो माने तो मूल बिंदु का समय क्या हो जाएगा, t माइनस एक्स बाय वी हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर वो नेगेटिव एक्स दिशा में गमन करती है तो तरंग का समीकरण, अगर हम फंक्शन एफ की जगह हम जी फंक्शन डिनोट करें तो वो क्या हो जाएगा, टी प्लस एक्स बाय वी हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर चलती है। अगर हम इसी वन डायमेंशनल प्रोग्रेसिव वेव को जनरल वे में व्यापक रूप में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं वाई बराबर एफ टी माइनस एक्स बाय वी। एक फंक्शन तो ये हो गया, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रही है, तो जी टी प्लस एक्स बाय वी हो गया। ये है एक हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की वन डायमेंशन में एक जनरल इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर ये जो इक्वेशन हमने फॉर्म करी है, ये हमने कोई फॉर्मूला नहीं निकाला, हमने केवल एक रिलेशनशिप बताई है कि विस्थापन की किस प्रकार से रिलेशनशिप हो सकती है। हमने इस फंक्शन को अभी कोई वैल्यू नहीं दी है, रिलेशनशिप नहीं निकाली है। अब हम इस जो हमने ये सोचा है, ये केवल हाइपोथेटिकल कंसेप्ट जो हमने सोचा है, उसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, तरंग गति का चिर सम्मत समीकरण निकालेंगे और तरंग वेग निकालेंगे, ठीक है। तो क्लासिकल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन वो निकालेंगे और वेव वेलोसिटी निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो देखो, हमने ये पढ़ लिया था कि वाई जो है वो एफ टी माइनस एक्स बाई वी होता है, अगर जो डिस्टर्बेंस है या विक्षोभ है वो पॉजिटिव एक्स दिशा में गति कर रहा है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो y है वो दोनों का फंक्शन है, t का भी फंक्शन है और x का भी फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो पहले t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो t के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो इसको हम f डैश t माइनस एक्स बाई वी लिख दिया, ठीक है। और ऐसे ही डेल वाई बाय डेल एक्स लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, एफ डैश टी माइनस एक्स बाई वी तो होगा ही, लेकिन फिर इसके बाद इसका भी होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस वन बाय वी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को आपस में कोरिलेट करें तो हम क्या कर सकते हैं, एफ डैश टी माइनस एक्स बाई वी का मान यहाँ से इस वाली समीकरण में रख देते हैं। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, हमें कुछ ये प्राप्त होता है, डेल वाई बाई डेल टी बराबर माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये एक हमारी बड़ी ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप आ गई है। अब इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है ये आपको समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पे है डेल वाई बाई डेल टी, इसका जो मान है वो एक्स और टी पर किसी कण के वेग को प्रदर्शित करता है। यानी ये क्या है, ये तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। लेकिन ये वेलोसिटी किसी किसकी है, ये टी समय पर और एक्स डिस्प्लेसमेंट पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है, या ये पार्टिकल वेलोसिटी को डिनोट करता है। और डेल वाई बाय डेल एक्स क्या है, उसी बिंदु और उसी क्षण पर y x वक्र के ढाल को प्रदर्शित करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व एट अ गिवन इंस्टेंट एट द सेम पॉइंट, उसी समय उसी क्षण पर y x वक्र के ढाल को प्रदर्शित करता है। लेकिन अब इस चीजों से हमारा फायदा क्या हो रहा है, ये अब हम इसको क्या करें, ऐसे ना लिख के हम इसको जनरल समय भाषा के रूप में लिखते हैं, वो क्या होगा, धनात्मक एक्स दिशा में अब हमने इसको क्या कहा था, कण का वेग, मैंने लिख लिया कण का वेग। कण का वेग किसके बराबर हो गया, माइनस
ये वी क्या है, ये तो तरंग का वेग था, इस वेग से ही तरंग चल रही थी, तरंग वेग इनटू प्रवणता ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, ढाल को ही कहते हैं, ये ग्रेडियंट हो गया। तो ये हमारी जो इक्वेशन है इसका ये मीनिंग हो गया, ये हमारे रिलेशनशिप को डिफाइन करने वाला हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण आपने निकाली है इस समीकरण को पुनः आंशिक अवकलन करते हैं। तो आंशिक अवकलन कर देते हैं, देखिए इसके अंदर करा तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर एफ डबल डैश हो जाएगा, और इसको हम करेंगे डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर वन अपॉन वी स्क्वायर एफ डबल डैश टी माइनस एक्स बाई वी हो गया। वापस इन दोनों को आपस में कोरिलेट करेंगे, कोरिलेट करने से हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप हमने निकाली। ये रिलेशनशिप है एक विमीय प्रगामी तरंग की चिरसम्मत समीकरण, क्लासिकल इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल प्रोग्रेसिव वेव। ये हमेशा लागू होती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करा है, जब हमने फंक्शन जो लिखा है उस फंक्शन को हमने किसी से किसी जो माध्यम है या कोई हमारी कंडीशंस है, बाउंड्री कंडीशंस है, इनको हमने कहीं भी इनकॉर्पोरेट नहीं करा। तो कैसा भी माध्यम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, सब पर ये फॉर्म लागू होगा। इसीलिए ये हमारी इक्वेशन सारी वेव्स पर लगती है। चूंकि उपरोक्त समीकरण में प्रयुक्त किसी फलन को विशेष महत्व न देकर व्युत्पन्न किया गया है, कि इसको किसी एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे बांधा नहीं गया है, उससे डिराइव किया है, अतः ये सभी प्रकार की तरंगों के लिए लागू होगा। और जब हम इसको जनरल वे में, ये तो मैंने वन डायमेंशन फॉर्म में लिखा है, अगर हम इसको जनरलाइज्ड वे में लिखते हैं तो वाई के स्थान पे हम साई का उपयोग करते हैं, तो हमारा कुछ इक्वेशन जो का जो फॉर्म है वो ये बन जाता है। अब अगर हम इसी इक्वेशन को थ्री डायमेंशंस में लिखना चाहेंगे तो हम इसी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, थ्री डायमेंशन में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर साई। और ये हमारा पता है लाप्लाशियन ऑपरेटर होता है, तो इसको हम डेल स्क्वायर साई लिख लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई। ये हमारी क्लासिकल इक्वेशन बन गई। तो ये हमने प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन पढ़ ली। अब हम इसके अंदर, ये जो हमने प्रोग्रेसिव वेव पढ़ी है एक विमीय, हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। और ये हमने क्या, कौन सी वेव है, ये हमारी ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है। हम इसी प्रकार से हम अनुदैर्ध्य तरंग प्रोग्रेसिव है वो भी हमने पढ़, मतलब हमने एग्जाम्पल उसका लिया। तो हम क्या करेंगे, अब इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंग लेंगे, उसके संदर्भ में वेग निकालेंगे, फॉर्मूला वेग का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और दूसरा हमारा है अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उनकी उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सब पहले आज हम थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देती हूँ, वैसे हम डेरिवेशन अगले लेक्चर में करेंगे। हम करेंगे ट्रांसवर्स वेव। अब पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। तो पहले ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो होती तो हमारी इलास्टिक मतलब ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिसमें पार्टिकल्स जब वो कहीं से जाती है, किसी माध्यम में से गुजरती हैं, तो जो पार्टिकल्स है वो उस वेव से परपेंडिकुलर दिशा में सरल आवर्त गति करते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो तरंग होती है वो हमारी अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, यानी उसमें जो माध्यम के कण है वो तरंग गति की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, तो वो तो हमारी कहलाती है अनुप्रस्थ तरंगे। और अनुदैर्ध्य तरंगे हमारी क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे वो तरंगे होती है जो
किसी माध्यम से गुजरने के बाद उसके जो उस गुजरती हैं, तब उसके जो माध्यम के जो कण हैं वो तरंग गति की दिशा में ही कंपन करते हैं, और इस कंपन के कारण वो गति जो वेव है वो प्रोग्रेस करती है। तो अनुप्रस्थ तरंगों में, क्योंकि कण माध्यम के कण तरंग की दिशा में गति करते हैं, तो इसके अंदर तो संपीड़न और विरलन पैदा होता है, यानी रेरिफेक्शन और कंप्रेशन बनते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग में, क्योंकि माध्यम के कण तरंग गति की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, इसलिए हमेशा वहां पर श्रृंग और गर्त निर्मित होते हैं, यानी क्रेस्ट और ट्रफ निर्मित होते हैं। तो ये हम इन दोनों ही तरंगों की विशेषताओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इसके अगले लेक्चर में। आज इतना ही करेंगे। धन्यवाद।